पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा से चुनाव लड़ने वाले बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा इन दिनों पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए हैं। उन्होंने इस सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। पर्चा भरने के दौरान उनकी पत्नी पूनम सिन्हा और भारी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। आसनसोल लोकसभा सीट के लिए शत्रुघ्न सिन्हा कुछ दिनों तक चुनाव प्रचार भी करेंगे। इस दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद को बाहरी बताए जाने पर बीजेपी पर निशाना साधा। बातों को अच्छे से समझते हुए जो जो इंसाफ के खिलाफ नाइंसाफी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने की मेरी पुरानी फितरत रही है, पूरे देश में आपको याद होगा सबसे ज्यादा नोटबंदी के खिलाफ हमने ही आवाज उठाई थी, कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी के खिलाफ भी हमने ही आवाज उठाई थी कि मेरा मानना रहा है शुरू से कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं। बीजेपी ने 2014 के चुनावों में पटना साहिब से सिन्हा को टिकट दिया था, लेकिन कुछ कारणों से बीजेपी और उनके संबंधों में खटास आ गई। 2019 में बीजेपी ने उनकी जगह रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से उम्मीदवार बनाया तो बिहारी बाबू ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। पटना साहिब से कांग्रेस के टिकट पर वो रविशंकर प्रसाद के खिलाफ लोकसभा चुनाव हार गए, जिसके बाद बीजेपी पर शत्रुघ्न सिन्हा इतना भड़के कि उन्होंने अपने बेटे लव सिन्हा को कांग्रेस के टिकट पर बीजेपी के नितिन नवीन के खिलाफ बांकीपुर से चुनाव लड़वाया। हालांकि उनके बेटे भी हार गए। बेटे लव राजद कांग्रेस लेफ्ट के महागठबंधन के बावजूद नितिन नवीन से 27,000 वोट से चुनाव हार गए। शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ सपा के टिकट पर लखनऊ से चुनाव लड़ी और वो भी हार गई। लेकिन अब शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीद है कि वो आसनसोल में जीत दर्ज करेंगे। ममता जी का नेतृत्व होगा, हम अपनी आवाज विपक्ष की आवाज को मजबूत करेंगे, दबंग बनाएंगे और ममता जी के साथ मिलकर बंगाल की समस्याओं को, देश की समस्याओं को और खासकर अपने आसनसोल की समस्याओं को से जूझने के लिए, लड़ने के लिए, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर हैं और आज से और तत्पर हैं। एक वाइफ का होप यही रहता है कि मेरे हस्बैंड जीत के ही आएंगे। जीतेंगे नहीं, अब मैं कह रही हूँ जीत के ही आएंगे, क्योंकि आज तक आप लोगों ने इनका पॉलिटिकल करियर देखा होगा, ऐसे हमेशा जब वो ठानते हैं किस बात को, राइट फ्रॉम अपना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से लेके उन्होंने सोचा था मैं बहुत बड़ा स्टार बनूंगा और बन के दिखाया पटना से आने के बावजूद। तो इसलिए जो जिस कदम पे वो चले हैं वो हमेशा अमल रहे हैं, और अब की बार तो दीदी का जो ट्रस्ट है उनके ऊपर और जो विश्वास उन्होंने इनके ऊपर दिखाया है, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग दैट यू नो शी हैज हैड दैट फेथ इन हिम दैट वी विल विन द सीट। सो आई थिंक ही विल डू अ गुड जॉब। आप तो कदम से कदम मिला के उनके साथ चल रही हैं। हमेशा हमेशा मुझे लगता है अर्धांगिनी बनने का यही एक वो होता है कि हस्बैंड के साथ कदम से कदम बना के चलूं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की एक सीट और विधानसभा की भी एक सीट पर उपचुनाव होने वाला है। इन दोनों के लिए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो को टिकट दिया है। आसनसोल से बिहारी बाबू को तो वहीं बालीगंज विधानसभा उपचुनाव में बाबुल सुप्रियो उम्मीदवार होंगे। बताते चले कि आसनसोल सीट बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, हालांकि बाद में बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी को छोड़ दिया और वो टीएमसी में आ गए।